हेलो एंड वेलकम गाइज, स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपके स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपका स्मार्टफोन स्लो हो गया हो तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को तेज कर सकते हो और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे से ले सकते हो। आजकल के 4G स्मार्टफोन में ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। अगर आपके पास पुराना फ़ोन हो या तो 1-2 साल हो गए हो आपके फ़ोन को, तो फ़ोन की स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अगर आप भी आपके स्लो फ़ोन की स्पीड से परेशान हो गए हो तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमारे पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट होता है वॉलपेपर और ऐप्स। अगर आपने अपने फ़ोन पे या फिर स्मार्टफोन पे लाइव वॉलपेपर लगा के रखा है तो पहले आप उसे हटा दीजिए और अपना जो नॉर्मल वॉलपेपर है उसे आप लगा दीजिए। बाद में हम बात करेंगे ऐप्स के बारे में। तो आपके फ़ोन में ऐसी बहुत सारी ऐप्स होती है जिसका कि आप यूज़ नहीं करते और वो फ़ोन में सिर्फ इंस्टॉल रहती है, तो आप पहले उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर बात करें और ऐप्स के बारे में, तो कुछ ऐप्स कंपनी की तरफ से ही इंस्टॉल हो के आती है, हम उन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आप उन्हें डिसेबल कर दीजिए। जो कि सेटिंग्स में ऑप्शन होता है ऐप्स में, तो आप उन ऐप्स को डिसेबल कर दीजिए जो कि आपकी यूज़ में नहीं आती है। तो इससे भी आपका स्मार्टफोन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। बात करें हमारे अगले पॉइंट के बारे में, तो हमारा अगला पॉइंट है कैचे के बारे में, जो कि ऐप का स्टोर डाटा रहता है आपके फ़ोन के मेमोरी में। जब भी आप ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐप कुछ डेटा अपने मोबाइल मेमोरी में सेव कर लेता है जो कि अगली बार वो यूज़ करता है। इससे भी आपको अपने फ़ोन में स्पीड के बारे में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले आपको जो भी ऐप इस्तेमाल के कैचे को आपको डिलीट कर देना है। मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने ऐप के कैचे को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल सेटिंग्स में चले जाना है, उसके बाद आपको ऐप्स एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप जो ऐप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आपको उस ऐप पर क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर कैचे का। आप जब उस पर टच करेंगे तो आपके ऐप का जो स्टोर डाटा होता है वो क्लियर हो जाएगा। बात करें हमारे अगले पॉइंट के बारे में, तो अगले पॉइंट में मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन के इंटरनल मेमोरी को समय समय पर क्लीन करते रहें। जैसा कि अगर आप कोई ऐप यूज़ करते हैं तो आपको वो ऐप यूज़ करते समय इंटरनल मेमोरी का 10 या फिर 20% हिस्सा यूज़ होता है, जिससे कि आपके फ़ोन मेमोरी अगर कम होगी तो उस पर बहुत असर पड़ेगा और आपके फ़ोन को वो दिक्कत दे सकता है और आपके फ़ोन की स्पीड भी स्लो हो सकती है। तो अगर आपने कुछ ऐसे ऐप्स जो कि आपके यूज़ में नहीं है, अगर ऐसे भी ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं तो आप उसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए और डाटा को क्लियर कर दीजिए। और इंटरनल मेमोरी में जो भी गाने, फोटोज या फिर वीडियोज़ हैं वो आप एक्सटर्नल मेमोरी में भी निकाल सकते हैं, या तो फिर किसी अदर पेन ड्राइव में भी आप उसे निकाल सकती है, जिससे कि आपकी इंटरनल मेमोरी को थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस मिलेगी और वो अच्छे से काम कर पाएगी। अगले पॉइंट में मैं बताना चाहूँगा कि आपने ये सभी चीज़ें कर रखी है और फिर भी आपका स्मार्टफोन स्लो है, तो कंपनी की तरफ से रेगुलरली कुछ अपडेट आते रहते हैं, वो आप चेक करके अपने फ़ोन को अपडेट करती रहिए। जिसमें कि सबसे अहम मुद्दा होता है परफॉर्मेंस का, जो कि आपके फ़ोन को बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करता है और आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो अगर आपके फ़ोन में भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है तो जल्दी से उसे अपडेट कर लीजिए, ताकि आपके फ़ोन में भी परफॉर्मेंस मोड ऑन हो जाए और आपकी फ़ोन की स्पीड भी ज़्यादा फास्ट हो जाए। अगला और आखिरी पॉइंट है एनिमेशन के बारे में। आपके फ़ोन में भी कुछ ऐसी एनिमेशंस होती है जो कि आपको ऐप खोलते समय या फिर सेटिंग्स खोलते समय दिखती होंगी, आप उसे भी बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है तो आप इन एनिमेशन को बंद कर दीजिए। इन एनिमेशन को बंद करने का तरीका है, आप सेटिंग्स में चले जाइए, उसमें आपको डेवलपर ऑप्शन ढूंढना है। डेवलपर ऑप्शन किसी किसी फ़ोन में नहीं होता है, तो आप बिल्ड नंबर पर जाकर उसे 2-3 बार टच करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। फिर आप उसे ओपन करके जो भी एनिमेशन होते हैं उनको बंद कर दीजिए, जैसे कि आपके फ़ोन को थोड़ा सा परफॉर्मेंस में मदद मिलेगी और आपका फ़ोन भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अगर ये सारी टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर करके लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।